अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी। क्या कर रही थी? ये सब्जी सुधार रही हूँ दीदी। अच्छा सब्जी तोड़ रही थी। खाना नहीं बनाई? नहीं नहीं बनाई हूँ, नाश्ता हो गया एक बार का, अब खाना बनाऊंगी करके सब्जी सुधार रही होगी। अरे अंश भी सो गया है? सोया। नहीं ठीक है सोने दो। अरे भैया भी आज दिख रहे हैं घर में, आज छुट्टी है क्या, काम में नहीं गए? भैया नमस्ते, बैठिए ना। आज आई हूँ मैं, बहुत दिन बाद आपसे भी मिलना हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं बात करने के लाई हूँ, आप भी बैठिए थोड़ा सुनिए। तो शायद अभी तो अंश 6 महीना सुपर हो गया ना, हाँ तो इसीलिए मैं और आई हूँ कि ताकि आपको मैं बता सकूँ, है ना, कि अब हमको अंश को क्या क्या खिलाना पिलाना है। ठीक है तो थोड़ा समय है ना? हाँ तो थोड़ा सा बात करेंगे। आपका काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है बढ़िया है, अच्छा से काम करते रहिए। शैल दीदी थोड़ा सा आप बताएंगे, देखो तो इसमें चित्र में क्या दिख रहा है? हाँ दीदी इसमें माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है गोदी में बिठा के, है ना। तो 6 महीना सुपरी आहार क्या करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, है ना। ठीक है तो अभी अंश को कुछ खिलाना शुरू किया है? नहीं दीदी अभी तो छोटा है, करके नहीं दे रही। अच्छा अभी शुरू नहीं किए हो, चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग उसको खिलाएंगे, हैं। अच्छा है मैंने सुपरी आहार मतलब देना और शुरू करना बहुत जरूरी रहता है दीदी, क्योंकि अंश क्या है, अब आपका दूध उसके लिए पूरा नहीं होगा, है ना, तो आप ऊपर का खिलाओगे ना तभी उसका अच्छे से वजन रहेगा और अच्छा जल्दी वो बड़े होगा। ठीक है दीदी। शैल दीदी देखो तो इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भी माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। खाना खिला रही ना, बहुत बढ़िया दीदी, आप बहुत अच्छा बताए, है ना। तो अभी शुरुआत में ना अंश को हमको नरम मुलायम और एकदम मसल के खाना खिलाना है ना, क्योंकि वो अभी छोटा है और उसका दांत भी नहीं निकला है, तो कड़ा चीज़ तो नहीं चबा पाएगा। तो दीदी अभी कैसे खा पाएगा, वो तो अभी छोटा है। नहीं खा पाएगा ना, उसको हमको थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करना पड़ेगा, जैसे एक टाइम में हम 2 से 3 चम्मच खिलाए, फिर थोड़ा देर बाद में उसको 2 से 3 चम्मच फिर खिलाए, है ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाएंगे। और खिलाने के लिए वही है कि एकदम मसलना है ना, जैसे भात बना उसमें दाल मिला रहे तो उसको एकदम मसल के रखना है, जैसे कभी बाजार गए केला ला दिए तो केला को भी अच्छे से मसल के उसको खिलाना है, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा करके खा लेगा। दीदी देखो तो शैल दीदी इसमें क्या है? इसमें बच्चा बैठा है दीदी पीछे में। बहुत बढ़िया। और ये क्या है दीदी? ये खाना है कटोरी में, कटोरी चम्मच भी आपको भी दिख रहा ना ये, हाँ ये कटोरी में खाना है। तो कितना बार है शैल दीदी, गिन के बताओ तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कटोरी 6 बार, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो यहाँ पे छोटा सा बच्चा बैठा है, मतलब ये कौन है समझो, अपना अंश है ना, और यहाँ पे आप 6 कटोरी में खाना देख रहे हो। ठीक है तो बच्चे को दिन में 5 से 6 बार खाना खिलाना चाहिए। अच्छा 5 से 6 बार खिलाना है? हाँ 5 से 6 बार, है ना। ठीक है अब क्यों खिलाना मैं बताती हूँ, है ना, जैसे अंश है वो छोटा है अभी, है ना, और हम जैसे बड़े जितना खाते हैं, मान लो हम 1 कटोरी भात खा रहे हैं तो आधा कटोरी अंश को हमको खिलाना है, अब आधा कटोरी हम तो एक साथ नहीं खिला सकते, उसका पेट तो छोटा है ना, तो उसी आधा कटोरी भात को हमको थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाना है। तो आप खिलाएंगे ना शैल दीदी? हाँ दीदी खिलाऊंगी, अब आप बता रहे हो तो खिला के देखूंगी। फिर इसमें देखिए क्या है ये, इसमें दाल रोटी चावल पानी अंडा मछली मुर्गा और ये भाटा टमाटर आलू, ये भाजी है ना दीदी? हाँ हाँ ये भाजी है। अच्छा केला अंगूर आम मतलब ये फल फल है। ठीक है दीदी। और ये मम्मी क्या कर रही है? यहाँ भी मम्मी खाना खिला रही है बच्चे को। ठीक है दीदी। तो देखो बच्चे को मतलब जो भी हम खिला रहे हैं उसमें हरा साग भाजी दाल अंडा दूध ये सब को उसको शामिल करना है। भाजी से तो दस्त होता है इतना दीदी? नहीं होता बिल्कुल नहीं होता, जैसे फल फूल हरा साग भाजी वगैरह है ना, इससे क्या होता है बच्चे को ताकत मिलती है, तो वो भी उसको खिलाना है। ठीक है तो कभी भाजी खाने से दस्त नहीं होता। तो देखो अभी हम लोग देखे ना चित्र में, है ना, जैसे उसका भात खिलाना है तो भात से दाल से उससे क्या मिलती है, ताकत मिलती है, तो जब वो अंश को हम खिलाएंगे तो अंश को बहुत ताकत मिलेगी, है ना। फिर जैसे है दूध अंडा है आपके घर में तो आप लोग खाते हो मांस मछली वगैरह, है ना,
तो वो भी आप अंश को देना, उसको खिलाओगे तो अंश का शरीर बहुत जल्दी बड़े होगा, बढ़ेगा अच्छे से। तो आप खिलाओगी ना ये सब चीज़? बहुत बढ़िया दीदी। फिर देखो सैल दीदी इसमें क्या है, कटोरी में खाना है और चम्मच। इसमें क्या डाल रहे हैं? इसमें तेल डाल रहे हैं खाने में। तेल, बहुत बढ़िया भैया, बच्चे से पहचान लिए है ना। तो देखो बच्चे के खाने में तेल डालना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है? तो तेल पचा पाएगा वो तेल? हाँ, पचा लेगा तेल, है ना। तो देखो तेल से क्या है, बहुत ताकत मिलती है, और तेल खिलाने से बच्चा जल्दी बड़े होता है। तो अगर हम जब भी अंश को खाना खिला रहे हैं, उसके खाने में अगर हम थोड़ा सा तेल डाल दें ना, तो वो अंश के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, है ना, और कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये क्या है शैल दीदी? ये आंगनबाड़ी है दीदी। हाँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पे क्या कर रही मम्मी? कुछ खिला रही बच्चे को। कुछ खिला रही है ना, ठीक है। तो जैसे आंगनबाड़ी बताया पिछना है ना, तो जो आंगनबाड़ी से एक रेडी टू ईट पाउडर मिलता है, उसको भी ना अंश को खिलाना चाहिए। आप लाती हो? हाँ लाती हूँ दीदी, लेकिन कैसे खिलाऊँ उसको करके समझ नहीं आता, कैसे अच्छा, बना के खिलाऊँ। अच्छा, तो अभी तक एक भी बार नहीं खिलाई हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्योंकि वो पाउडर है ना, पहले से ही उसको भूंज के पैक किए रहते हैं, और उस पाउडर में गेहूं रहता है, चना रहता है, दाल, शक्कर सब मिला रहता है। तो आप रेडी टू ईट को गर्म पानी में घोल के उसको सीधा खिला सकते हो। अच्छा, और नहीं तो थोड़ा सा उसका, हाँ नहीं तो थोड़ा सा उसको हलवा बना देना अंश के लिए ही। तो शैल दीदी खिलाओगी आगे ऐसे रेडी टू ईट पाउडर को? ठीक है भाई, आप थोड़ा सा ना इसको हवा में थोड़ा घुमा के ले आओ, इसको दे दो उसको। शैल दीदी अंश तो उठ गया है ना, ऐसा करते हम लोग ना उसको खिला के देखते हैं। आपके यहाँ तो अभी दाल भात है ना, तो अंश को थोड़ा बुलाओ ना, उसको दाल भात खिलाते हैं। भैया लाओ ना उसको थोड़ा, तभी मैं अंश को खाना खिलाऊंगी। तो मैं अपना हाथ पहले साबुन से धो के आ जाती हूँ, ठीक है। दीदी आप चल दीजिए, आप ना थोड़ा सा कटोरी में दाल और भात और जो सब्जी में डालने वाला तेल होगा ना, उसको लेके आइए ना। मेरे को दो अंश को। आजा बेटा आजा, आजा हम लोग भातू खाएंगे, भातू भातू अंश को भातू खिलाएंगे। अरे 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 अरे, देखना अभी खूब सारा भातू खाएगा अंश तो। मम्मी ला रही है भातू, ला रही है मम्मी तो। तो शैल दीदी देखो है ना, ये खाने का तेल है ना, इसको इसके खाने में हम थोड़ा सा डाल दिए, ठीक है। और इसको मैं फिर अच्छे से मिला देंगे, है ना। पहले जो भात लिए उसके ऊपर दाल डाले है ना, और तेल को थोड़ा डाल के इसको मिला दिए। अब तेल डालने से क्या हो गया, अगर मान लो ये अंश कितना एक कटोरी खाया, तो इसको ना दो कटोरी के बराबर फ़ायदा करेगा। आम करो भैया, आम करो। अरे वाह, अरे वाह, अंश तो कितना बढ़िया खा रहा है जी। और खिलाए करके नहीं नहीं, अच्छा मैंने सुपर हो जाता ना, तो बच्चे लोगों को ऊपर का चीज देना था। अभी आप देखते होगे अंश बैठा रहता होगा, कुछ को भी पकड़ के मुंह में डालता होगा, है ना। हाँ, तो वो डालता है, इसका मतलब समझ जाओ कि उसको कुछ खाना है अब ऊपर का, है ना। तो इसीलिए ऊपर का चीज खिलाना जरूरी है। देखो कितना अच्छे से खा रहा है, और खाएगा और खाएगा। अरे वाह, अरे वाह। अंश अच्छा, मतलब अंश को जब भी आपको समय मिलेगा, जिस दिन घर में रहोगे या रात में जैसे घर में रहते हो ना, तो आप ना ऐसे ही बना के इसको खिलाया करो। ये आपके साथ जब भी आप खाना खाने बैठते हो, तो उस टाइम आप अपने साथ खिला सकते हो। मम्मी खाने बैठी, मम्मी के साथ खा लेगा। दादी खाने बैठी, दादी के साथ। ऐसे सबके साथ खाएगा तो दिन में 5 से 6 बार हो जाएगा इसका। सबके साथ थोड़ा थोड़ा। देखो कभी कभी ऐसे बच्चे को खिलाते रहते ना, तो वो मतलब मना भी करते थे नहीं, या इधर उधर भी मुंह करते रहता है ना। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमको ना, इसको घुमा घुमा के, चिड़िया को दिखा के, और कुछ को दिखा के, ऐसा करके ना इसको खिलाना रहता है, ठीक है। तो फिर बच्चा धीरे धीरे करके पूरा पेट भर
खा लेगा। हम लोग बड़े लोग एक ही टाइम में सीधा लेते हैं, थालियों में सीधा एक साथ खा जाते हैं, बच्चे लोग वैसा नहीं खा पाते हैं ना, इनको थोड़ा सा रोक रोक के खिलाना होता है। तो आप ना घुमा घुमा के देखो ना, खाया फिर आप अब ऐसे खिलाइएगा चैन दीदी। हाँ भैया आप भी खिलाइएगा, जब भी अंश को आप खिलाना रहेगा तो उसके हर बार खाने में तेल को जरूर डालिएगा, ठीक है। बच्चा है वो लेट्रिन कर दिया है ना, दस्त कर दिया है, ठीक है। तो चल दीदी इसको, अंश को अभी पिछले एक दो महीना में कभी दस्त हुआ था क्या? हुआ था तो 15 दिन का, हाँ तो थोड़ा इसीलिए वो लग रहा है ना, कमजोर लग रहा है। तो क्या किए थे फिर दस्त हुआ था तो? पास में डॉक्टर है ना, उसी के पास ले गए थे। दस्त होता है ना दीदी, तो उसमें ना तुरंत ऐसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग घर में ही मतलब ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो दीदी इसमें देखो है ना, ये एक पौधा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, अंश है ना। लेकिन जब जैसे पौधे को पानी नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो वैसे दस्त के समय में अगर हम अंश को पानी नहीं देंगे, नहीं पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे मुरझा जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे पौधे को जब हम पानी डाल रहे हैं तो क्या हो गया, वो फिर हरा भरा हो गया है ना। तो वैसे ही अंश को अगर हम दस्त के समय अच्छे से पानी दे, जीवन रक्षा घोल पिलाते रहें, तो क्या रहेगा, ऐसे ही वो हरा भरा खिला खिला रहेगा। इसमें चित्र में आप देख रहे हो दीदी है ना, ये एक गिलास पानी, चम्मच है ना, ये नमक। तो मैं आपको बताऊंगी भी कि घर में ही रह के हम लोग कैसे जीवन रक्षा घोल बना सकते हैं करके। तो थोड़ा सा आपके घर में जो भी पीने का पानी होगा तो देंगे क्या? अच्छा भैया तो उधर ही बैठे हैं, भैया आप ही ला दो ना, और नमक और शक्कर और एक चम्मच। ये है जैसे ये, हम एक गिलास साफ पानी लिए है ना, फिर इसमें हम एक चम्मच शक्कर डालेंगे, फिर ये तीन उंगली का एक चुटकी बनाना है ना। तो तीन उंगली की चुटकी में एक चुटकी हम नमक लेंगे और इसमें डाल देंगे, फिर इसे छोटे चम्मच से हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, फिर इसको घोलेंगे अच्छे से, और तब तक घोलना जब तक नमक और शक्कर अच्छे से नहीं घुल जाए, ठीक है। दस्त में इसको लगातार पिलाए ना तो फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि दस्त में अगर पानी की कमी होती है तो उसी से ही कमजोरी और ख़तरा बढ़ता है ना। देखो ये पूरा घुल गया दीदी, ठीक है, घुल गया ना। हाँ अब ये घोलने के बाद में फिर इसको हम थोड़ा सा चख के देखें, ठीक है। तो इसका जो स्वाद है ना वो आंसू जैसे आना चाहिए, जैसे आँख से जो आंसू निकलता है ना उसके आंसू जैसे आना चाहिए। अगर वैसा आ गया ना स्वाद तो फिर आप समझना कि आप जो बनाए हो वो ठीक है, ठीक है। फिर इसको आप लगातार अंश को पिलाते रहो, है ना। जब भी किसी को दस्त होता है तो पिलाना है। तो कभी कभी क्या होता है जैसे शक्कर नहीं रहा है ना, तो हम लोग तो भात बनाते तो पसिया तो निकालते हैं, निकालते हो ना, हाँ। तो उसी पसिया में ना अगर आप थोड़ा एक चुटकी नमक मिला के उसको घोल दिए और उसके बाद उस पसिया को पिलाओगे ना तो उसमें भी दस्त ठीक हो जाता है। फिर दीदी इसमें देखो क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे दीदी, इसमें इसमें खाना बना रही हैं, इसमें खाना खिला रही बच्चे को, इसमें भी हाथ धो रही हैं, इसमें माँ दूध पिला रही बच्चे को, और इसमें बच्चे का जो लेट्रिन है उसको साफ कर रही है। तो देखो दीदी अभी जैसे हम लोग उधर देखे दस्त है ना, तो दस्त से बचाव के लिए हाथ धोना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हम लोग दिन भर इसी हाथ में ही काम करते रहते हैं। जैसे आप ये बरबट्टी तोड़ रही हो है ना, तो हम लोग दिन भर इस हाथ में काम करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या कीटाणु सब इस हाथ में बैठा रहता है। तो जब भी मतलब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, या जब खाना बना रहे हैं है ना, या शौच करके आए हैं, या बच्चे का शौच धुला रहे हैं, या दूध पिला रहे हैं, तो इस समय अपने हाथों को ज़रूर साबुन से धोना चाहिए, ठीक है जी। अगर हम हाथ को साबुन से धोएंगे तो हम मतलब अंश को तो दस्त से बचा सकते हैं। तो हाथ धोएंगे ना आगे, हाँ। इसमें देखो दीदी क्या है, इसमें
ये खाना है, खाना सब्जी, ये पानी है और इसमें पानी नहीं निकाल रहे हैं, इसमें ये बोरिंग और इसमें भी कुछ पका रहे हैं दीदी। यदि तो जैसे है ना, दस्त से बचने के लिए हमको अपना हाथ धोना बहुत जरूरी रहता है, वैसे ही दस्त से बचने के लिए हम लोगों को साफ पानी पीना, ताज़ा खाना खाना है ना, ये बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जैसे आप चित्रम देखिए ना कि खाना को देखो कैसे ढक के रखे हैं, है ना, तो हमेशा खाना को ढक के ही रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रखने से क्या होता है, मक्खी उड़ के आई उसमें बैठ गई, वो गंदा चीज़ को उसमें छोड़ दी, फिर उसी खाना हम खा रहे हैं तो उसके कारण से दस्त हो जाता है। ठीक है, अब पानी को भी हमेशा ढक के रखना चाहिए, खुला रखेंगे तो कुछ भी उसमें गिर सकता है ना। और ये देखिए ना कि इसमें देखो कैसा वो लोटा पकड़िए, डंडी वाला लोटा, तो आप लोग कैसे निकालते हो पानी को? हम लोग ऐसे गिलास या लोटे से ऐसे डुबा के निकाल लेते हैं। तो हाथ डूबता है नहीं पानी में? हाँ, तो हाथ डूब रहा तो पानी गंदा हो जाता है। तो शायद दीदी ऐसी ना लंबा डंडी वाला लोटा खरीद के ला सकते हो, है ना, तो उसको ले आइएगा और जब भी आप पीने का पानी निकालोगे तो इसे लोटे से निकालना, तो ऐसा कर सकती हो शायद दीदी? हाँ दीदी, करूँगी। मैं देखो दीदी क्या है ये, इसमें बच्चा बैठा है और ये कुछ सीसी जैसे हैं, है ना, ये अदरक तुलसी और ये चाय है दीदी। ये चाय है ना, तो जैसे बच्चे को जब भी सर्दी खांसी वगैरह होती है ना तो उसको गर्म पानी देना चाहिए, है ना, गर्म रखना चाहिए। ठीक है, और घरेलू उपचार ही उसको करना चाहिए, है ना। तो जैसे उसको सर्दी खांसी होता है तो क्या करते हैं? सर्दी खांसी होता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं दीदी तुरंत। मैं ना जैसे आप देखें ना, यदि बच्चे को सर्दी खांसी हो रहा है तो इसको हम लोग शहद खिला सकते हैं घर में, है ना, अदरक और तुलसी का हम लोग काढ़ा बना के पिला सकते हैं, नहीं तो चाय में भी हम अदरक तुलसी को अच्छे से मतलब डाल के खौला के फिर उसका चाय पिलाएंगे तो उसमें भी क्या हो जाता है, सर्दी खांसी ठीक हो जाता है, है ना। और जब भी जैसे आंच को सर्दी खांसी हो तो उस तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर देना और उससे उसको मालिश करना, है ना, और फिर उसको जो उसको डेली जो कपड़ा पहनाते हैं ना उसी कपड़े को 2-3 ठो को उसको पहना दे रहा, तो उसको मतलब बेचैनी भी नहीं होगी, निकाल के भी नहीं फेंकेगा। ठीक है, अच्छा बताएं। हाँ, तो सर्दी खांसी में दीदी कोई मतलब दवा या डॉक्टर इलाज की जरूरत नहीं होती है ना, हम उसको घर में रख के ही ठीक कर सकते हैं। पिलाने से भी ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप आगे ऐसे ही करिएगा दीदी, है ना। और अगर मान लो कभी अंश का सांस तेज चलने लगे, है ना, आपको पता चले तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसकी सांस की गिनती करके देखूंगी और अगर ज़रूरत लगेगा तो फिर अस्पताल लेके जाएंगे, और हम लोग सरकारी अस्पताल ही लेके जाएंगे क्योंकि सरकारी में अच्छा इलाज होता है बच्चे लोगों का। ठीक है दीदी, फिर इसमें देखो दीदी क्या करें, इसमें माँ अपने बच्चे को पकड़ी है और ये महिला देख रही है उसको। तो दीदी जैसे अंश को कभी भी बुखार वगैरह होता है, उसका शरीर गर्म लगे, है ना, तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, और आप घर में भी उसको रख के अंश को ना उसको पूरा से शरीर को ना कच्चा कपड़ा से गीला कपड़ा पूरा आप पोछोगे ना तो उसका बुखार पूरा उतर जाता है। ठीक है, और अगर ज़रूरत लगा जैसे पोछ रहे हो लगातार लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो मैं उसका बुखार वगैरह के जांच करके मैं देखूंगी। ठीक है दीदी, इसमें देखो दीदी क्या कर रही है, इसमें बच्चा सोया है दीदी, इसमें लेटरिंग कर रहा है बच्चा, इसमें माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, इसमें पापा अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं। तो दीदी जब भी अंश का तबीयत ख़राब होता है, कुछ भी होता है, सर्दी खांसी हो या दस्त या बुखार कुछ भी हो, है ना, तो उस समय में भी आपको अपना दूध उसको पिलाते ही रहना है। ठीक है, और साथ में आपको अंश को खाना भी खिलाते रहना है। हाँ दीदी, वो तो तबीयत खराब रहता है तो दूध नहीं पीता अच्छे से। हम लोग भी बड़े लोग भी बीमार पड़ते हैं तो कहाँ खिलाता है ना, पर फिर भी खाते हैं कि नहीं हम लोग, तो वैसे बच्चे लोगों को भी खिलाना ही है, दूध भी आप अपना पिलाते रहना, उसको ऊपर का खाना भी खिलाते रहना। अगर वो बीमार पड़ा है और हम उसको खाना वाना नहीं खिलाएंगे तो वो तो बच्चा क्या हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा, फिर वो ठीक भी नहीं होगा जल्दी, है ना, उसको ठीक होने के लिए फिर बहुत समय लगेगा, इसीलिए है ना जब भी वो बीमार होता है तो उस समय दूध पिलाना और खाना खिलाते रहना है, और जब वो ठीक हो जाए उसके बाद में तो उसको और खाना देना है। ठीक है दीदी, तो करोगी ना ऐसा? हाँ। फिर देखो दीदी इसमें क्या कर रहे हैं,
इसमें बच्चा खेल रहा है किसी चीज़ को देख कर, है ना, कपड़ा वगैरह में। इसमें मेरे पापा अपने बच्चे को खिला रहे हैं, कुछ पकड़े हैं, और इसमें मैं बच्चा झुनझुना पकड़ा है, इसमें भी कुछ कुछ खिलौना, बेलना वगैरह, चम्मच, क्या क्या पकड़े, ये कटोरी और चम्मच क्या दी। तो इसमें देखो, है ना, ये बच्चे को कुछ रंगीन वाला कपड़ा दिखा रही है उसकी मम्मी। इसमें पापा क्या कर रहे हैं, गुनगुना बजा रहे हैं, है ना। तो देखो अभी अंश अभी छोटा है ना, तो अभी उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही उसके साथ में खेलना है, बातचीत करना है ना। और छोटे बच्चे लोगों को ना रंग बिरंगी चीज़ें जो रहती है वो बहुत पसंद आती है, और जैसे जो आवाज़ करने वाली रहती है ना वो बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो हम बाहर से बाज़ार से खिलौना ना लेके हम घर में भी उसके लिए खिलौना बना के उसको दे सकते हो, नहीं तो जो कटोरी चम्मच है ना आप उसी को पकड़ा दो, वो तो बजा बजा के मस्त खेलेगा। अच्छा। देते हो ऐसा कटोरी चम्मच का? नहीं तो वो घर के ही आप कटोरी चम्मच गिलास ये सबको आप दिया करो, फिर वो मस्त बजा के खूब अच्छे से खेलेगा, और उसको खेलने से फिर वो क्या रहेगा, एकदम खुश रहेगा। तो ये सब चीज़ दीदी मतलब बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो उसके पापा भी खिलाते हैं कि नहीं? कभी कभी खिलाते हैं दीदी, काम में जाते हैं ना, बाहर समय नहीं रहता उनके पास, इसे लेने खिलाते रोज। कभी कभी और उसके खेलने के लिए दीदी आप क्या खिलौना वगैरह लेते हो? हाँ खिलौना है ना, झुनझुना वगैरह उसी को देती हूँ। बाजार से खरीद के लाते? हाँ बाजार से खरीद के लाए, क्योंकि बच्चे लोग क्या रहते हैं, एक खिलौना खेलते हैं फिर उसको नहीं चाहिए, थोड़ा देर बाद नया खिलौना चाहिए, है ना। बाजार से खरीदने से पैसा भी खर्च हो जाता है, और बाजार की सभी चीज़ें प्लास्टिक की रहती है, अगर कुछ टूट गया ये तो बच्चे को चोट लग जाती है ना। तो उससे अच्छा दीदी कि हम अपने घर की चीज़ों को ही खेलने के लिए दें। तो ऐसे ही घर की जो सब्जी है, टमाटर है, आलू को धो के उसके पास डाल दे, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो ना पहचानना सीखता है, जैसे टमाटर पकड़ा है तो बोलना, अरे मेरा बेटा अंश क्या पकड़ा भाई, टमाटर पकड़ा है ये तो, है ना। ऐसा आप बात करोगे तो फिर सुनेगा, फिर जानेगा कि अरे इसको टमाटर बोलते हैं, सीखेगा। हाँ सीखेगा भी वो पहचानना, ठीक है। और जब भी खाना खिलाते रहते तो उस समय भी बात करिए, उसको बताइए, अरे अंश अभी तो देखो अभी आलू खा रहा है, अभी तो दाल भात खा रहा है, ऐसा करके। तो उसको भी वो पहचानना सीखेगा कि ये दाल भात है, ये आलू है, ऐसा करके। तो आप जितना ज़्यादा दीदी अंश के साथ में आप खेल के साथ में आप बातचीत करते रहोगे ना, तो उतना अच्छे से अंश बढ़ेगा, सीखेगा बहुत जल्दी, ठीक है दीदी। तो दीदी मैंने आपको ना घर में एक खिलौना बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। तो आपके घर में कुछ टिक का डिब्बा वगैरह है, खाली वाला? हाँ है ना दीदी। है? अच्छा, और लाओ ना। तो और चना वगैरह है, चना मटर कुछ है बीज वाला? हाँ है, तो लाइए ना, ठीक है दीदी। तो बहुत बढ़िया, देखो ये पाउडर का डिब्बा भी आप इसको फेंक देते खाली हो गया करके, है ना। लेकिन ये अंश के लिए देखना भी खिलौने का काम करेगा, छोटे बच्चे लोगों को ना आवाज़ बहुत पसंद आता है। तो ये दीदी मटर को ना इसके अंदर आप डाल दो, ठीक है, इसका ढक्कन आप बंद करके फिर इसको अंश को पकड़ा दो आप, फिर वो क्या करेगा, बस ऐसे बजाते रहेगा। हाँ ये तो गुनगुना ही बन गया, जिसको हम लोग बाजार से लेते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग घर में भी खिलौना बना सकते हैं, ठीक है दीदी। जैसे है वो 9 महीने से ऊपर का हो जाएगा जब, है ना, तो 9 महीने के बच्चे लोग क्या करते हैं, वो पलटी करके बैठना, है ना। अब बैठने के बाद में फिर वो कुछ कुछ खिलौने चीज़ों को पकड़ के खुद से खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दीदी अगर मान लो अंश ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना, तो आपको उस समय में भी अंश को बहुत समय देना पड़ेगा, मतलब जितना जब भी आप उसको समय दें तो उसके साथ आप बात ही करते रहें, उसके साथ खेलें, उसको खिलाएं, और चीज़ों को उसको बताते रहें कि अंश ये है, अंश ये है, है ना। उसके लिए इस टाइप का सा खिलौना बना के खेलने के लिए दें, ठीक है। तो आप लोगों को उसको समय देना, जितना आप समय दोगे तो उसको अच्छे से उसका विकास होगा, ठीक है। फिर चल दीदी अभी अब आज तो 6 महीने से ऊपर हो गया है ना, और ये तो पहला बेटा है, आपको एक और चाहिए, है ना, एक और लेना है बेटी आए करके, ठीक है। तो अभी कुछ यहाँ पे बीच में अंतराल के लिए कुछ साधन वगैरह उपयोग कर रहे हो? नहीं दीदी अभी तो कुछ साधन नहीं।
नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दीदी अभी है ना, क्योंकि दो बच्चों में 3 साल का अंतर है ना, बहुत ज़रूरी रहता है। और अंश जब तक अभी 3 साल का नहीं हो जाएगा, आप दूसरा बच्चा नहीं लेना है ना। अगर पहले लोगे तो फिर आने वाला बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है, और अंश को भी आपका पूरा दूध नहीं मिलेगा तो भी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 साल का आप अंतर रखिएगा। तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, है ना, स्थायी साधन। आप तो सुने होंगे बहुत सारी गोलियाँ मिलती है, ठीक है। और एनएम दीदी लोग कॉपर टीप लगाते हैं, और पुरुषों के लिए कॉन्डोम भी आता है। दीदी मतलब कॉपर टीप लगवाने से दर्द तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी, नहीं होता है। नहीं दीदी, कॉपर टीप भी है, अगर उसको शरीर के अंदर हम डाल रहे हैं तो थोड़ा दिन तक कुछ परेशानी हो सकती है ना, लेकिन वो आगे कोई परेशानी नहीं करेगी। और वो तो बहुत अच्छा साधन है ये बच्चों में अंतराल रखने के लिए, ठीक है। तो वो कभी भी मतलब, और आजकल 5 साल वाला आ गया है कॉपर टी, 10 साल के लिए आ गया है। आप जैसे आपको भी 3 साल का अंतराल रखना था, 5 साल वाला लगा लीजिएगा, फिर जब आपको बच्चा चाहिए आप उसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और ये तो हमने जो एनएम दीदी आती है ना, जो टीका लगाने के लिए, हाँ वो ही लगा देती है, वो भी लगा। हाँ, आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। और कभी कभी मतलब जो बता रही, तो उसमें माहवारी में एक थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, पर उससे कुछ नहीं होता, मतलब फिर आगे वो अगले महीने से फिर वो नॉर्मल ही हो जाता है, ठीक हो जाता है वो, ठीक है। और कई लोग माँ लोग बोलते रहते कि अरे कॉपर टी लगवाए तो कहाँ पेट में घुस गया, इधर घुस गया करके, तो वो भी सब एक गलत अफवाह ही है। ऐसा नहीं होता है ना, कभी भी वो ऊपर ऐसा नहीं चढ़ता है, ठीक है। ये सिर्फ एक अफवाह ही है ना। हाँ ठीक है दीदी, अब आप घर में बात करके बताऊंगी आपको कॉपर टी लगवाने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आके बात कर दूँगी, ठीक है। फिर आप चलिएगा, मैं आपको लेके जाऊँगी, लगवा दूँगी। तो दीदी ये देखिएगा, है ना, इस चित्र को देखिएगा, इसमें माँ और बच्चा हंस रहा है। दीदी हंस रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये माँ क्या है, सुखी माँ है, है ना। अरे माँ सुखी कैसे है, क्योंकि ये माँ क्या कर रही है, 6 महीने से अपने बच्चे को ऊपरी आहार खिलाना शुरू कर दी है, है ना। और जब भी बच्चे को खिलाती है, अपना हाथ धो के खिलाती है, ठीक है। फिर बच्चे को मतलब हरा साग भाजी सब चीज़ खिला रही है वो। और जब जैसे हाँ बच्चा जैसे बीमार पड़ा तो उसको वो सरकारी अस्पताल में लेके जाती है, आंगनबाड़ी में जो उसको पाउडर मिलता है तो उसको भी बराबर मतलब हलवा बना के बच्चे को खिलाती है, ठीक है। और कभी उसको ज़रूरत पड़ता है, लगता है कि मालूम मेरा बच्चा ज़्यादा बीमार है, तो मितानिन दीदी से नहीं तो सरकारी अस्पताल में जाती है, ठीक है। तो उसके बच्चे का क्या है, वज़न भी बहुत अच्छा है और एकदम स्वस्थ भी है, ठीक है। तो ये माँ क्या है, खुश है सुखी है ना, क्योंकि उनका बच्चा सुख है, खुश है, तो ठीक है। यहाँ देखिए इस चित्र में, इसमें माँ रो रही हैं उदास से, ठीक है। तो ये माँ दुखी है, है ना। क्यों दुखी है, क्योंकि ये क्या कर रही है, डिब्बा बंद बाजार का चीज़ खरीद के ला के अपने बच्चे को खिला रही है, ठीक है। हरा साग भाजी नहीं खिला रही है, और जब बच्चा उसका बीमार हो जाता है तो वो प्राइवेट अस्पताल में लेके जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका बच्चा क्या रहता है, कमज़ोर रहता है और बार बार बीमार पड़ते रहता है। तो ये माँ भी अपने बच्चे के लिए पूरा प्रयास कर रही है ना, लेकिन फिर भी ये माँ परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि ये जो प्रयास कर रही है वो मतलब सही प्रयास नहीं है, है ना। अनावश्यक अस्पताल में जाके खर्चा करना, और बच्चे को बाहर की चीज़ों को खिलाना, है ना, ठीक है। तो इसलिए ये माँ थोड़ा परेशान है, ठीक है। तो हमको भी कैसे बनना है, हाँ सुखी माँ बनना चाहूँगी दीदी। बनना चाहोगी ना? हाँ तो बनोगी ना सुखी माँ? हाँ दीदी, ठीक है। तो शायद दीदी आपका तो सब्जी भी टूट गया बात करते करते पूरा, तो थोड़ा सा शायद दीदी बताओगी, बहुत देर तक आपसे बात की तो कुछ सीखी, कुछ समझ में आया? हाँ दीदी, आप बताए जैसे बच्चे को 5 से 6 बार खिलाना है, जब भी खिलाएंगे हाथ धोना है खिलाने से पहले, और दस्त होगा तो जीवा रक्षा घोल बनाने मतलब बना के पिलाने के बारे में बताए, और खाना खिलाते बच्चे को तो उसमें तेल डाल के, है ना, 1 चम्मच तेल डाल के खिलाने के बारे में बताए हैं आप, और आप परिवार नियोजन के बारे में बताए आप, है ना, कापड़ती लगवाने के बारे में, ठीक है। और दस्त से बचने के लिए आप तो बहुत बढ़िया बताएं, हाथ धोना है करके, है ना, जीवा रक्षा घोल बना के पिलाते रहना है, और साथ में जो खाने की जो भी चीज़ें हों सभी चीज़ों को ढक के भी
रखना है। अच्छा लगा, ठीक है। अब आप भी खाना बनाइए, आपका बरबट्टी टूटी है, नहीं तो मैं भी तोड़ने लगी रहती। ठीक है दीदी, तो मैं जा रही हूँ, है ना, और आऊँगी। ठीक है, और आना दीदी, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हो। नहीं, और आऊँगी ना मैं, बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है, नमस्ते।